पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश की 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया। लोकसभा की 3 सीटों में 2 पर बीजेपी ने बाजी मारी, वहीं पंजाब के संगरूर सीट आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गई। यूपी में भी समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने अपना कमल खिला दिया। त्रिपुरा की 4 विधानसभा सीटों में 3 पर बीजेपी की जीत हुई है। भाजपा की इस जीत पर भाजपाइयों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुरादाबाद में भाजपा कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और नाचते गाते हुए मिठाई खिलाई गई। योगी मोदी के फोटो लेकर कार्यकर्ता खुशी में झूमते हुए नजर आए और खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि ये भाजपा की नीतियों की जीत है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी जीत लिया है, तभी तो सपा के गढ़ में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है। सभी की मेहनत और योगी मोदी की नीतियों ने जनता को अपना बनाया है। जो दोनों लोकसभा की सीट आजमगढ़ और रामपुर में जो ऐतिहासिक विजय हुई है हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक भारी उत्साह का माहौल है और उसी उपलक्ष्य में ही आज मिठाई बांटी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे दोनों सीटों पर जिस तरह से जीत हासिल की है, समाजवादी के खाते में सीटें थी एक बार भाजपा ने हासिल की, क्या लगता है परिवर्तन आया? देश के अंदर एक परिवर्तन का दौर चल रहा है और जो परिवर्तन उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जाएगा, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। लोग कह रहे थे चुनाव से पहले कि नई समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, नहीं, ऐसा पूर्ण विश्वास था हमें योगी जी के नेतृत्व में और अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। और जिस तरह से मुरादाबाद के मेरे कार्यकर्ताओं ने जाकर वहाँ पर जोश और खरोश से काम किया है, उससे एक ऐतिहासिक विजय हमें मिली है। अहम रोल निभाया है मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने भी? नहीं, सभी कार्यकर्ताओं ने, रामपुर के हों या कहीं के, हमारे जो बूथ अध्यक्ष थे वहाँ के कार्यकर्ता थे, मंडल अध्यक्ष थे, वहाँ के जितने भी अन्य पदाधिकारी थे, सबका इसमें अहम रोल रहा है और ये कार्यकर्ताओं की जीत है। अच्छा, मानते हैं कि किस वजह से आखिरकार भाजपा इस सीट को जीतने में कामयाब रही, क्या वजह रही? ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके ऊपर हमारी जीत हुई है। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं सबको समान रूप से हमारी मिलती हैं, उसी के कारण हमारी देश के अंदर जीत हुई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।